पुलिस वालों ने पकड़ लिया था घर वालों को, क्योंकि उन लोगों ने जो पीछे बैठे ना बाइक के ऊपर, उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी, एंड हमें पता ही नहीं था कि जयपुर के अंदर हेलमेट पहना जाता है। सो आई थॉट क्यों ना मैं प्राइजेस भी आपको साथ साथ बताऊं, ताकि जब आप यहां आने का सोचो तब पता हो कि ये जगह कितनी ज्यादा किफायती है। पिज्जा डोसा एक्चुअली इतना अच्छा था कि हम लोगों ने एक खत्म होने के बाद में हम लोगों ने एक और मंगवाया है। पतासी क्या होता है? सो भाई ये आ गई अपनी सोया चाप। कौन सी है ये? पापड़ी चाट। फेमस ही दुकान है यहाँ पे। मिठाइयाँ मैंने सुना है बहुत ही अच्छी मिलती है। आई थिंक यहाँ पे घेवर वगैरह मिल जाएंगे मुझे। ऑनेस्टली बताऊँ मुझे पता भी नहीं कि घेवर दिखते कैसे हैं, खाली मैंने फोटोज वगैरह के देखा हुआ है। आई थिंक मावा तो किधर भी दिखा ही है अब तक। ऐसा हो सकता है इतनी बड़ी मिठाई की शॉप हो है, मावा ना हो, पता नहीं। कौन सा? मूंग दाल का ना। अच्छा घेवर यही है, पनीर है ये। घेवर भी टेस्ट हो सकता है? यस मैम, करवा दीजिए। हमेशा इतना ही यहाँ पे रश रहता है? अरे बाप रे, हम लोग कब से ऐसे घूम रहे थे यहाँ पे, कोई जवाब नहीं दे रहा। थैंकफुली इसने आपको देखा। क्या नाम है आपका? सुधा। नहीं अच्छा, थैंक यू। ये भी चाहिए? पता नहीं मुझे इतनी अच्छी लग रही मिठाई यहाँ की। तो यहाँ इतने सारे घेवर रखे हुए, यहाँ पे भाई सब घेवर ही घेवर रखे हुए हैं। गुजिया 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 गुजिया, मूंग बर्फी। मुझे इन सब में से सबसे अच्छे लगते हैं रसगुल्ले। ऑनेस्टली मैं खाने आई हुई थी यहाँ पे घेवर, बट मुझे घेवर पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा जब मैंने टेस्ट किया। तो अभी हम लोगों ने फाइनल डिसाइड किया कि हम लोग रसगुल्ला ही खाने वाले हैं, क्योंकि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ खा के ही जाते हैं। ताकि शायद घेवर ऐसे ही होते हैं जैसे कि ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, या और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया घेवर होते हैं जो कि मैंने अब तक ट्राई नहीं किया। अगर आपको पता है कि सबसे बेस्ट घेवर कहाँ मिलता है जयपुर के अंदर, तो मुझे इनसे कॉमेंट्स के लिख के बताना, नेक्स्ट टाइम जरूर वहाँ जाके ट्राई करूँगी। ये 30 रुपीज़ का एक यहाँ पर रसगुल्ला है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ। थैंक यू भाई। सामने देखो लाइट जैसे जल रही है ना, ये आपको देता है बिल्कुल पिंक सिटी यानी जयपुर वाला वाइब। बाय द वे मैं यहाँ पे जितना लोगों ने याद तो हाइप बहुत ज्यादा बना दी थी भाई, यहाँ का घेवर ट्राई करना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा आता है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना ज्यादा अच्छा घेवर लगा नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम घेवर खाया है। आई एम सो सॉरी, आई नो कि यहाँ की बहुत ज्यादा पॉपुलर डिश है। मे बी ये सही जगह नहीं थी घेवर खाने के लिए, ये भी हो सकता है। तो जो भी सही जगह हो मुझे उनसे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं वहाँ भी खा लूँगी। यहाँ पे रसगुल्ला खाया है, वही रसगुल्ला है जो कि आपको आई गेस कहीं पे भी मिल जाएगा इजीली। ऑलमोस्ट 7:35 हो चुकी है, अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अपने स्टे के ऊपर जाके, एंड उसके बाद आई थिंक तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम जाएंगे मसाला चौक। वैसे तो मसाला चौक यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बट अभी इतना कुछ खा लिया है कि इसके ऊपर कुछ और भी अच्छी चीज़ भी अगर हम लोग खाएंगे शायद हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मोहम्मदी पैलेस से हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। एंड यस, सो अभी हम लोग पहले जाएंगे थोड़ा सा आराम करेंगे, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मसाला चौक पे। आज है day 3, एंड सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले हैं मसाला चौक। वहाँ पे है बहुत सारे छोटे छोटे से शॉप्स जहाँ पे आपको चाट मिल जाएगी, डोसा मिल जाएगा, एंड बहुत सारे अलग अलग वहाँ पे आइटम्स मिलती है ऐसा मैंने सुना है। ये सब चीजें कितनी सच है, एंड ये सारी चीजें कितनी किफायती है, ये सब भी हम लोग आज वहाँ जाके देखने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलती हूँ मसाला चौक पे। पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, मैं तो सिंगल ही, तो मैंने अपनी हेलमेट पहनी हुई है, लेकिन यहाँ पे आके जो पीछे बैठे ना उनके लिए हेलमेट कंपल से आई है। इन्होंने हमें बाइक दी थी, उन्होंने आके ली वाली बात बताई नहीं थी, उन्होंने हमें दो हेलमेट दे लेते हैं। अब पता नहीं मैं वापस न्यूटन लेके हाईवे के ऊपर जा भी नहीं सकती हूँ, पकड़ा तुम जो यहीं पर है। वैसे अगर पता चला मैं उल्टा आगे गई हूँ उनके लिए तो मेरे को ही पकड़ लेंगे, ये बोल के कि भाई तुम उल्टा क्यों आए हो हाईवे पर। हाईवे भी नहीं है वैसे, ब्रिज ही है, बट फिर भी उल्टा क्रॉस करना सही नहीं होगा। चलो वेट करते हैं, देखते क्या बोलते हैं। बाइक रेंटल वाले से बात की, लाइक हाँ यहाँ पे 2 हेलमेट है मेरा, तो बता देते हम दो हेलमेट यहाँ पे लेके आ जाएंगे। नहीं मैं खुद ही भूल गया, इसकी वजह से 2000 रुपये चलान भी हमें देने ही पड़ेंगे।
ऑलराइटी, सो मैं आ चुकी हूँ मसाला चौक पे। जैसे कि आपको पता है पुलिस वालों ने पकड़ लिया था मेरे घर वालों को, क्योंकि उन लोगों ने जो पीछे बैठे ना बाइक के ऊपर, उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी एंड हमें पता ही नहीं था कि जयपुर के अंदर हेलमेट पहना जाता है। सो आई थिंक अभी उनको छोड़ा है एंड बस 5-10 मिनट का रास्ता है, अभी वो आते ही होंगे। तब तक चलो मैं जल्दी से आपको एक क्विक टूर दे दूँ मसाला चौक का। सो यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह मिल जाएगी, यहाँ 4-व्हीलर की पार्किंग है, यहाँ 2-व्हीलर की पार्किंग है। एंट्री फीस है 10 रुपीज पर पर्सन, मुझसे एंट्री फीस एक्चुअली ली नहीं उन्होंने बिकॉज मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। यहाँ पे स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों ही अलाउड नहीं है। ओ वाओ भाई काफी बड़ा है ये, मतलब मुझे एक्चुअली लगा था कि कोई छोटी सी जगह होगी जहाँ पे इतने ज्यादा स्टॉल्स नहीं होंगे, बट आई एम ग्लैड यहाँ देखो बहुत सारे स्टॉल्स है, यानी हम बहुत सारे खाना पीना यहाँ पे करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बना रहे भैया? क्या ही बात, मतलब मुझे स्टार्टिंग के अंदर ये मीठा खाने के लिए दिख चुका है। ये और बात है कि यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद आएंगे एंड के अंदर। और यहाँ क्या क्या मिलते हैं? छोले भटूरे हैं, देसी घी की आलू टिक्की है, वो भी 1 बजे के बाद आएगी। वैसे जब मैं खुद थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी यहाँ आने के लिए, थोड़े से ब्लॉग्स वगैरह देख रहे थे ना, तो नीचे कॉमेंट्स के अंदर मैंने पढ़ा बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया था कि आपने प्राइजेस ही नहीं बताए। आई मीन जिस किसी ने वो यूट्यूब वीडियो बनाई थी उन्होंने प्राइजेस नहीं बताए थे। सो आई थॉट क्यों ना मैं प्राइजेस भी आपको साथ साथ बताऊँ, ताकि जब आप यहाँ आने का सोचो तब वो पता हो कि ये जगह कितनी ज़्यादा किफ़ायती है। ये देखो, तो यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी 20 रुपये की, कॉफ़ी 30 रुपये की, लस्सी छाछ। अगर मैं यहाँ की डिशेस की बात भी करूँ तो यहाँ चाइनीज़ भेल भी 60 रुपये की है, दाबेली है। आई मीन जो भी प्राइजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, स्पेशल छोले भटूरे 100 रुपये के, बेसिकली बहुत ज़्यादा रीजनेबल यहाँ के रेट्स है। अगर मैं आगे भी चली आऊँ तो यहाँ पे है स्पेशल दही भल्ला पापड़ी चाट 160। नॉर्मल प्राइजेस भी आप यहाँ देख सकते हो, मूंग दाल का चिल्ला, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल से यहाँ के रेट्स लग रहे हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मिनरल वाटर आपको मिलता है, यानी पीने का, अगर आप यहाँ पानी वगैरह लेना चाहते हो तो आपको MIP के ऊपर यहाँ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली मैं चाट खाने वाली हूँ। गोपाल सिंह, अच्छा यही है गोपाल सिंह। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पतासी क्या होता है? तो भैया एक राज कचौरी बनाएंगे जो कि इसके अंदर ऐसे बन के आएगी, इसको तोड़ सको तो तोड़ देना चलेगा। ये क्या है? एक पापड़ी चाट लेगा, लग तो अच्छा है, काफ़ी बड़ी बड़ी है ये। ये बन रही है अभी आइला। कौन सी है ये? पापड़ी चाट, चाट। दही आएगी ना इसमें भी? दही सही सही। यहाँ दिल्ली चाट से हमने लिए है छोले भटूरे एंड मुझे को चाहिए कॉफी। भाई कॉफी मिलेगी? इनके पास कुल्लर चाय वगैरह भी अभी कभी बना नहीं सकते, वो 1 बजे के बाद चालू होता है। यहाँ पाव भाजी वगैरह है, ऊपर देख क्या लिखा है, बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी है ये, बॉम्बे स्पेशल पिज्जा डोसा। अरे तो राजस्थानी फूड अभी तो नहीं खाएगा, क्योंकि चौकीधानी जा रहा है ना शाम में, तो तू राजस्थानी खाना क्यों खाएगा? तो दिन में दो बार वो ना पिज्जा डोसा बोलो खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब मिक्स कर खाएंगे, पिज्जा डोसा है ना अच्छा लग रहा है। भैया पिज्जा डोसा कैसा आता है? ठीक है, एक पिज्जा डोसा ट्राई करते हैं। हाँ एक है, अच्छा स्प्रिंग डोसा भी है इनके पास। हाँ जीनी वाला भी खड़ा ही रहता है। मैंने चंडीगढ़ के अंदर, याद होगा आप लोगों को, मैंने मलाई चाप खाई हुई थी, जिसके बाद से मुझे चाप बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। एंड वो सोया चाप मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी अपनी लाइफ के अंदर। अब दोबारा से हम लोग यहाँ पे टिक्का जयपुरी कैन ट्राई करने वाले। भैया चाप मिल जाएगी अभी? कितना टाइम जाएगा? आधा घंटा जाएगा। पानी पूरी इसको यहाँ पे पतासी बोलते हैं, यहाँ चाय कॉफ़ी देते ही नहीं हो। अच्छा मैंने अभी अभी इनसे पूछा कॉफ़ी बना दोगे, लेकिन मेन्यू में थी लाइक नहीं बनाऊंगा, नहीं बनता है। कैसा है ये? मस्त है, नई पापड़ी चाट अच्छी है। पिज्जा डोसा, पिज्जा डोसा एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया।
अभी हम लोग ट्राई करते हैं ये पापड़ी चाट। भाई दही पापड़ी चाट एक्चुअली काफी अच्छी है इनके। आज कचौरी ट्राई करके देखते हैं। अच्छा है यार खाना यहाँ का। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि कचौरी है तो थोड़ी सी स्टिक हो गई, बनती है कचौरी मोटी वाली। फिर आज कचौरी एकदम पूरी की जैसी है बाहर से, बहुत सही लग रही है। सब ऑलरेडी खाना खा रहे हैं तो इसलिए कटा हुआ है। और मैं कॉफ़ी लेने के लिए गई थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई आने में। चलो भाई अभी हम अपने बाल बांध लेते हैं ताकि हम खाने के पर ज़्यादा फोकस कर सकें। ओके पिज्ज़ा डोसा एक्चुअली इतना अच्छा था कि हम लोगों ने एक ख़त्म होने के बाद में हम लोगों ने एक और मंगवाया है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्रिस्पी मस्त लग रहा है, देख तो सही तू। गोला बिल्कुल गोले जैसा है एंड एक्चुअली अच्छा लगा। आई मीन हाँ बॉम्बे जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छा है। सो भाई ये आ गई अपनी सोया चाप। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ भाई ये लो मक्खन वाली लस्सी आ गई है। तो मक्खन डाला हुआ है ऊपर, मिट्टी बहुत है। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सही मार दे। हो गई।